आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है सन्नी जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब मैं शाम को सोकर उठा तो मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। अकबकी दूर करने के लिए मैंने अपना मुंह धोया और घर से बाहर माइंड फ्रेश करने के लिए निकला। घर के मुकाबले बाहर मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। छोटे बच्चे खेल रहे थे और बड़े एक जगह जुटकर गप्पे लड़ा रहे थे। लिहाजन मैं भी उन बड़े बुजुर्गों के पास जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर वहाँ रुकने पर पता चला कि यहाँ भूतों की बात चल रही है। उनमें से एक आदमी कहानी सुना रहा था, हालांकि वो पहले ही कहानी शुरू कर चुका था तो मुझे तो ठीक से कुछ समझ नहीं आया। उस आदमी की कहानी खत्म होते ही हमारे गांव के ही एक पांडे काका ने अपनी कहानी की शुरुआत करी। कहानी को शुरू करते हुए काका ने आगे बताया कि आज से तकरीबन 30-35 साल पुरानी बात है, उन दिनों में यानी पांडे काका नाव चलाने का काम किया करते थे और गांव के लोगों को नदी के इस पार से उस पार करवाया करते थे। क्योंकि उन दिनों तो गांव में पुल नहीं हुआ करता था तो अमूमन नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए लोग नाव का ही इस्तेमाल किया करते थे। अभी मुझे नाविक का काम करते हुए यही कोई एक आध महीना ही बीता था, जिस वजह से मुझे इस बारे में उतना कुछ मालूम तो नहीं था, मगर ऐसा भी नहीं था कि मुझे कुछ भी ना पता हो। इन थोड़े बहुत दिनों में मैं थोड़ा बहुत तो जान ही गया था। एक दिन की बात है, उस दिन मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा सा लग रहा था। तेज चल रही हवाएं कुछ हद तक नाव की दिशा बदल दे रही थी और ऐसे में नाव चलाना खतरे से खाली नहीं था। कुछ देर बाद हवा की रफ्तार धीमी होते ही मैं नाव के साथ नदी में उतरा और इस पार के सारी सवारियों को लेकर उस पार जाने के लिए रवाना हो गया। घने काले बादलों ने आसमान को इस कदर घेर रखा था कि जैसे कि रात हो गई हो, और अंधेरे की वजह से थोड़ी ही देर में मुझे लालटेन जलानी पड़ी। सारी सवारियों को किनारे पर छोड़ने के बाद मैं किसी सवारी का ही इंतजार कर रहा था ताकि मैं उसे लेकर वापस उस पार चला जाऊं, मगर ऐसे मौसम में मुझे भी कहां कोई सवारी मिलने वाली थी। वो नदी के पास का पूरा इलाका खामोशी में गोते लगा रहा था। आसपास पानी और तेज हवाओं के अलावा और तीसरी आवाज नहीं आ रही थी। अब तक रात हो चुकी थी क्योंकि आसमान पर अब तारे निकल आए थे। मैं उस पार जाने के लिए अपनी नाव अभी घुमा ही रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज आई, रुक जाइए। मैंने उस आवाज की तरफ पीछे पलटा तो पाया कि वो एक औरत है जिसने गोद में एक बच्चे को लिया हुआ है। आगे उस औरत ने बताया कि उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है और उसे नदी के उस पार बैद जी के पास जाना है। पहले तो मैं उस औरत को मना करने वाला था, मगर तबीयत वाली बात सुनकर मैं थोड़ा पिघल सा गया। मैं अच्छा ठीक है बोलकर अभी नाव को किनारे से लगा ही रहा था कि वो औरत पानी के ऊपर चलते हुए मेरी नाव में आकर बैठ गई। ये देखने के बाद मैं एक पल को चौंका, मगर फिर मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और नाव को दूसरे किनारे की तरफ मोड़ने लगा। मैंने एकाध बार उस औरत से बात करने की भी कोशिश की, मगर वो औरत हाँ हूँ तक नहीं कर रही थी, जिस वजह से मैंने अपनी कोशिश बंद कर दी। कुछ देर बाद नाव चलाते हुए मैंने एक नज़र उस औरत पर डाली तो उस औरत के हाथों में वो बच्चा नहीं था जिसे लेकर वो नाव में चढ़ी थी। ये देखते ही मैंने उस औरत से पूछा, आपका वो बच्चा कहाँ गया जिसकी तबीयत खराब थी? जिस पर उस औरत ने कहा, वो तो कब का मर गया। उसकी इस आवाज को सुनकर मेरे होश उड़ गए। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता कि वो औरत बोली, तुम बाकियों की तरह नहीं हो। ये बोलकर वो औरत मेरी आंखों से ओझल हो गई। इस घटना के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आज से एक डेढ़ महीनों पहले वो औरत अपने बच्चे के साथ नदी के एक किनारे पर खड़ी होकर नाव रुकवा रही थी क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बेहद खराब थी।
मगर जाति भेदभाव की वजह से किसी नाविक ने उसे अपने नाव में नहीं बिठाया और आखिरकार वेद के पास ना पहुंच पाने की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई, जिसके साथ ही उस औरत ने भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ये थी सन्नी जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।